दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है ओलिव रिडले की आबादी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। विशेषज्ञों के अनुसार चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु परिवर्तन से ओलिव रिडले कछुओं की आबादी में गिरावट आ सकती है। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव से है। जलवायु परिवर्तन के परिणामों में ग्लोबल वार्मिंग, तीव्र सूखा, जल की कमी, भीषण आग, समुद्र का बढ़ता जल स्तर आदि शामिल है। लगातार और तीव्र रूप से आने वाली बाढ़ और चक्रवात पहले से ही सुभेद्य इन समुद्री सरीसृपों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। जान लेते हैं ओलिव रिडले और जलवायु परिवर्तन की स्थिति के बारे में। हाल ही में आए असानी साइक्लोन के कारण इनके लगभग 25% अंडे नष्ट हो गए। इस प्रजाति के सामने कई अन्य खतरे हैं जिनके चलते हजारों में से केवल एक बच्चा ही वयस्कता तक पहुंच पाता है। ग्लोबल वार्मिंग ओलिव रिडले कछुओं के लिंग अनुपात को प्रभावित कर सकती है। 21वीं सदी में कोस्टा रिका आवास में इनकी आबादी में 7% प्रति दशक की गिरावट दर्ज की गई थी। जान लेते हैं ओलिव रिडले कछुओं के बारे में। इनका वैज्ञानिक नाम लेपिडोशाइलस ओलिवासिया है। यह पृथ्वी पर सबसे छोटे समुद्री कछुओं में से एक है। इनका यह नाम इनके खोल यानी शैल के जैतून के हरे रंग के कारण पड़ा है। इनकी लंबाई 2.5 फीट तक और वजन 30 से 45 किलोग्राम तक हो सकता है। यह मुख्य रूप से झींगा, केंकड़ा, मोलस्क, मछली और केंकड़ों को खाते हैं। भारत में ये अंडे देने के लिए ओडिशा और महाराष्ट्र के समुद्र तटों पर एकत्र होते हैं। इस घटना को अरीबाडा कहते हैं।